क्या कर रहा हूं मैं? दर्पण में देख रहा हूं। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए, एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभा, है ना? अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं, एक नहीं दो बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, और जीभा जन्म से पहले से होती है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है। है ना आश्चर्य की बात? दंत कठोर होते हैं, जीभा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीभा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। सांब का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो? परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए। संबंध स्वीकार है। मुझे तुम्हारा निर्णय जानकर प्रसन्नता हुई दुर्योधन। शुभस्य शीघ्रम। अब चलो विवाह का प्रबंध करते हैं। अब इस विवाह समारोह का आनंद दुगना हो जाएगा। निसंदेह वासुदेव, निसंदेह, क्योंकि ये केवल सांब और लक्ष्मणा का विवाह नहीं बल्कि द्वारका और हस्तिनापुर का मिलन भी सिद्ध होगा। चलिए चलकर विराट राज से क्षमा मांगते हैं। देखा दुर्योधन, मनुष्य का भाग्य कैसे बदलता है। हम यहाँ आए थे अर्जुन के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने, और देखो द्वारका और हस्तिनापुर का संबंध कर बैठे। दुर्योधन, शत्रु को केवल युद्ध में पराजित नहीं किया जाता, शत्रु के मित्रों को अपने पक्ष में कर लेना भी उसकी पराजय होती है। हमने तो यहां शत्रु के मित्र को ही हमारे पक्ष में कर लिया। अब द्वारका और हस्तिनापुर संबंधी हो गए हैं, अब मुझे किसी युद्ध की चिंता नहीं ना।
क्योंकि अब हस्तिनापुर को कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या क्या कहा मामा श्री आपने? क्यों, क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया गांडी उधारी? वासुदेव आप ही बताइए ना, जब एक पुत्र अपने पिता का संचित राज्य भोग सकता है तो क्या पिता अपने पुत्र के कर्मों का फल नहीं भोग सकता वासुदेव? हाँ, अपने पुत्र के भूल के कारण ही सही, परंतु क्या अब आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी नहीं हो गए हैं? हमारे परिवार में सम्मिलित नहीं हो गए हैं आप? बताइए ही नहीं। मत भूलिए मामा श्री, द्वारका का संबंध आपसे पूर्ण हमसे है। माता कुंती वासुदेव की बुआ लगती हैं और वासुदेव की बहन सुभद्रा से मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए द्वारिका आपका नहीं हमारा समर्थन करेगा। तुम्हारा समर्थन करेगा नहीं अर्जुन, तुम्हारा समर्थन करता। यदि लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ निश्चित नहीं हुआ होता तो अर्जुन, परंतु अब द्वारका केवल और केवल हस्तिनापुर का साथ देगा, क्योंकि एक राज्य दो पक्षों का समर्थन नहीं कर सकता अर्जुन। अपनी जीवा पर वश रखो खानदाराज। अपनी जीवा को वश में रखो गांधाराज। इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो भीम? कोई आवश्यकता नहीं है, क्रोध तुम्हारी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारे भतीजे का विवाह है, खाओ पियो आनंद मनाओ। और रही बात समर्थन की, तो द्वारका किसे समर्थन देगा किसे नहीं, ये हम स्वयं द्वारका पर ही छोड़ देते हैं। अब तो स्वयं वासुदेव ही बता सकते हैं कि वो किसका समर्थन करेंगे। बताइए द्वारकाधीश। द्वारका निष्पक्ष रहेगा, दोनों पक्ष में से द्वारका किसी का भी समर्थन नहीं करेगा। ये मेरा निर्णय है। जहां दोनों पक्षों में अपने ही संबंधी हो, वहां भाग लेने से अपनों को ही क्षति होगी, इसलिए द्वारका ना ही किसी युद्ध में भाग लेगा और ना ही किसी का समर्थन करेगा। उत्तम विचार, परंतु ये तो आपका स्वयं का निर्णय है ना महाबली। द्वारका का निर्णय तो तब माना जाएगा जब दोनों भाई यानी आपके साथ साथ वासुदेव भी इस निर्णय को स्वीकार करेंगे, है ना वासुदेव? कृष्ण भी इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो आपका क्या कहना है वासुदेव? मैं दाऊ से अलग कहां हूं गांधार राज? जो दाऊ की आज्ञा वही मेरी भी इच्छा। द्वारिका इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। ना दाव और ना ही मैं।
कैसी रही वासुदेव? बहुत ही अच्छी चाल खेली है गांधारराज, और निश्चित रूप से इस बार विजय भी आप ही की हुई। अब तो मैं अकेला नहीं जो इस युद्ध से दूर रहूंगा। अब तो आप भी इस युद्ध में भाग नहीं ले पाएंगे वासुदेव। हमारे पास अब बहुत समय है खेल खेलने का, है ना वासुदेव? और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, अब हम संबंधी हो गए हैं वासुदेव, और कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को कुछ उपहार देते हैं, कुछ भेंट देते हैं। मैं आपको ऐसी भेंट दूंगा जो आपको समय बिताने के लिए काम आएगी वासुदेव। सदैव आपको अपने पराजय स्मरण कराती रहेगी वासुदेव। जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं, अब ना किसी से मिलना शेष है और ना किसी को उत्तर देना। आपके लिए वो महत्व रखते रहे जिन्होंने आप पर उपकार किया या जिन्हें आपने वचन दिया, परंतु मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। ईश्वर से प्रार्थना है कि अब जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे के विपक्ष में ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम दोनों में से कोई एक ही जीवित बचेगा। तुमने जो बाण चलाया उसे तो मेरे कवच ने रोक लिया है, परंतु जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसका फल रोकने की शक्ति संसार में किसी कवच के पास नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो पुत्र? आज तुम्हें अपने मित्र के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। आज शाम का विवाह है, उसके जीवन का विशेष अवसर है, तुम्हें उसके समीप होना चाहिए पुत्र। रुष्सेन, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी तुमने, मेरी ओर देखो पुत्र, मैं तुम्हारी मन की व्यथा उसकी व्याकुलता को समझता हूं। क्योंकि मैं भी उन्हीं परिस्थितियों से उसी मार्ग से निकला हूं जिस मार्ग पर तुम अपना पहला पग रख रहे हो। परिवर्तन के इस मार्ग पर व्यथा और पीड़ा मिलती है पुत्र। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। शाम को तुम अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हो ना, इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुमने अपने पिता पर वार किया।
यदि एक पिता की दृष्टि से देखूं तो बहुत दुख पहुंचाता मुझे, परंतु परिवर्तन की कामना रखने वाले एक योद्धा की दृष्टि से देखूं तो मुझे ग्लानी नहीं, गर्व है तुम पर। जो दुख और पीड़ा तुम अभी अनुभव कर रहे हो, वही दुख वही पीड़ा मैं अनुभव कर चुका हूं पुत्र। जब मैं अपने प्रियजनों को छोड़कर परिवर्तन के मार्ग पर चला गया, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अपने पिता से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया। मेरी तरह तुम भी अपने वचन के, अपने कर्तव्य के पक्ष में खड़े हो, परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो। आज नहीं तो कल तुम अवश्य समझ जाओगे। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी भांति नहीं और ना ही आपके किसी भी तर्क से सहमत हूं। मैंने आज जो भी किया वो केवल अपने परिवार के लिए किया, परिवर्तन के लिए नहीं, क्योंकि कुमार साम मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं। और हाँ, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद, इस समय मुझे कुमार साम के पास होना चाहिए। प्रणिपात, आज ना सही परंतु एक दिन तुम अवश्य समझोगे कि तुम जाने अनजाने अपने पिता के मार्ग पर ही चल रहे हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन मुझे वो परिवर्तन मिल जाएगा जिसकी मैं जीवन भर साधना करते आया हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेतपश्यत् सौभाग्यस्मै दत्त्वाय हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरा दष्टि यथ सः। अपनी शत्रुता के कारण अपनी बच्ची का मन तोड़ना कहां का न्याय है दुर्योधन? हमारे बच्चे लक्ष्मणा को हमारे साथ ले जाना उचित होगा दुर्योधन। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। दुर्योधन को क्या हो गया है? जरा सुनो, क्या 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 हुआ दुर्योधन? क्यों विवाह समारोह छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है दुर्योधन।
ईश्वर की कृपा से या आपके छल से मम सही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.